उत्तराखंड में निवेशकों का महाकुंभ आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सरकार को अब तक मिल चुके हैं 80,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव। राजस्थान एमपी समेत 5 राज्यों में बचा चुनावी बिगुल। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में होंगी वोटिंग। 11 दिसंबर को घोषित होंगे नतीजे। 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान के बाद बीजेपी की तैयारियां तेज। अमित शाह आज सभी राज्यों के प्रवक्ताओं के साथ करेंगे बैठक। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की मांग, केंद्र दे निगम को 5,000 करोड़ का फंड। एमसीडी कर्मचारियों को पैसे दिए जाने। अरुण जेटली ने विपक्षी एकता पर कसा तंज, महागठबंधन जांचा पर कर विफल विचार है। विकासशील भारत इसे स्वीकार नहीं करेगा। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का ऐलान, नहीं लड़ेंगे 2019 लोकसभा चुनाव। पार्टी नेता जितेंद्र आव्हाड ने दी जानकारी। बीएसपी एसपी के बाद केजरीवाल का राहुल गांधी को झटका, कहा मोदी को हराना है तो कांग्रेस को वोट न दे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एक और झटका, माया के बाद अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने से किया इनकार। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की 2 टूक, कहा चीन से नहीं डरते, अरुणाचल भारत का अभिन्न हिस्सा। अलीगढ़ में पूर्व सपा प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक पर हमला, बजरंग दल पर लगाया आरोप, एनकाउंटर में मारे गए लोगों के परिजनों से कर। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने फहराया जीत का परचम, सभी सीटों पर किया कब्जा, 8 साल बाद मिली कामयाबी। बीजेपी में शामिल होने के बाद पर शिवकाल का बयान, मेरे पास छोटी छोटी लगभग 45 पार्टियां हैं, जरूरत पड़ने पर बीएसपी से कर सकता हूं गठबंधन। लखनऊ में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन, कहा विज्ञान हमेशा से ही भारतीय संस्कृति का हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय बलरामपुर दौरा, पुलिस लाइन में अधिकारियों से करेंगे बैठक, बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। यूपी पुलिस के बगावती रुख से सीएम योगी नाराज, नई सोशल मीडिया पॉलिसी जारी, 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 2 SO के तबादले। डिप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के पिता का निधन, सीएम योगी सहित कई नेताओं ने जताया शोक। अलीगढ़ बीजेपी विधायक दलवीर सिंह का बयान, कहा ओम प्रकाश राजभर को तोड़ देना चाहिए गठबंधन, उनके बयान को पार्टी में कोई नहीं सुनता। स्वामी परमहंस ने शासन पर लगाया आरोप, कहा राम मंदिर को लेकर काम नहीं करना चाहती सरकार। अलीगढ़ रोडवेज टिकट फर्जीवाड़े का मामला, 14 अफसरों और 51 कर्मचारियों पर गिरी गाज, फर्जी टिकट का चलाते थे रैकेट। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 15,000 के 2 इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। जम्मू कश्मीर के रामबन में बड़ा हादसा, खाई में बस गिरने से 21 की मौत, मृतकों और घायलों को मुआवजे का ऐलान। लखनऊ के सरोजनी नगर में चलती बस में लगी आग, बस में सवार 30 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। नहीं थम रहे पेट्रोल डीजल के दाम, 2.5 रुपए की राहत के बाद फिर बड़े दाम, दिल्ली में पेट्रोल 14 पैसे और डीजल 29 पैसे हुआ महंगा। तनुश्री के आरोपों का सामना कर रहे नाना पाटेकर ने हाउसफुल 4 की शूटिंग बीच में रोकी, जोधपुर से मुंबई रवाना। द कपिल शर्मा शो के साथ फिर छोटे पर्दे पर वापसी करेंगे कपिल, सोशल मीडिया के जरिए कपिल ने दी जानकारी।